हेलो एवरीवन दिस इज मोनिका वेलकम बैक टू माय चैनल रिक फॉर नॉलेज आज की वीडियो में हम सीखेंगे अगर आपको एक लॉन्ग टेक्स्ट को सेपरेट करना है और अलग अलग कॉलम्स में डालना है तो आप कैसे करेंगे जैसे आपके पास फुल नेम्स हैं और आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को सेपरेट कॉलम्स में पुट करना है तो आप कैसे करेंगे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डेटा ऑलरेडी एंटर्ड है स्वीट डूबी पेंथर शेर मोहित गाल्यान नीरू शीतल एंड सो ओन हम चाहते हैं कि इसमें फर्स्ट नेम जैसे स्वीट पेंथर मोहित शीतल नीरू अलग कॉलम में आ जाए और लास्ट नेम जैसे कि डूबी शेर गालियान अलग कॉलम में तो ऐसा करने का एक बहुत ईजी मेथड है आप डेटा टैप पर क्लिक करेंगे वहाँ डेटा टूल्स ग्रुप में टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन नजर आएगा आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड का वहाँ डीलिमिटर चूज़ करेंगे डीलिमिटर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स जैसे जो सेपरेशन के लिए यूज़ होते हैं जैसे कि स्पेस कोमा एक्टेट्रा डीलिमीटर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे स्टेप टू में आप देखेंगे कि डी में चेक बॉक्सेस हैं टैब सेमी कॉलन कमा स्पेस एंड अदर्स के तो आप देखिए कि आपके डाटा में कौन सा डीलिमिटर यूज़ हुआ है जैसे अपने एग्जाम्पल में स्पेस डी है तो आप स्पेस पर क्लिक करेंगे देन क्लिक ऑन नेक्स्ट अब डायलॉग बॉक्स में नीचे देखिए डाटा प्रिव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहां देख लीजिए कि क्या आप ऐसा ही चाहते हैं अगर हाँ तो फिनिश पर क्लिक कर दीजिए ओहो तो ये आप भी ख्याल रखें कि हमने सिर्फ एक ही सेल को सिलेक्ट किया था इसलिए हम सिर्फ डूबी को सेपरेट रो में देख पा रहे हैं तो आप ऐसा भूलना नहीं पहले आप सारे डाटा को सिलेक्ट कीजिए फिर ये ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म करते हैं ये देखिए अब सारा डाटा सिलेक्ट कर लिया है सेम स्टेप्स रिपीट करते हैं एंड सी द डिज़ायर्ड आउटपुट हमारे सामने है अब क्या हो सकता है कि आप चाहते हैं ओरिजिनल डाटा भी बचा रहे और, और चेंज डाटा अलग से और बदला हुआ डाटा अलग से विजिबल हो तो आप इसके लिए क्या करेंगे स्टेप टू तक सब सेम रहेगा स्टेप्स में ध्यान दें एक ऑप्शन है डेस्टिनेशन का वहां सेल एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं उस सेल का जहां पर आप डेटा प्लेस करना चाहते हैं एंड देन क्लिक फिनिश हियर इट इज अब एक और एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए आपके पास डिलीमिटर स्पेस नहीं कमा है तो आप क्या करेंगे डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है बस स्टेप टू में डी में स्पेस की जगह कमा के चेक बॉक्स पर चेक कीजिए एंड इट इज डन ये तो था कि डी की हेल्प से कैसा डे दे, कैसे डेटा को सेपरेट करना है अब दूसरा ऑप्शन अगर आपने डायलॉग बॉक्स के स्टेप वन पर ध्यान दिया हो तो वहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है फिक्स विट जी हाँ आप एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कि इतने कैरेक्टर्स के बाद सेपरेट कीजिए लेट्स डू इट प्रैक्टिकली आपने स्टेप टू में फिक्सड विथ पर क्लिक किया फिर नेक्स्ट पर क्लिक किया तो अब स्टेप टू में आपके पास डेटा प्रिव्यू में देखिए ऊपर एक स्केल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ से विथ सेट कर लीजिए देन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए देन फिनिश एंड इट इज डन अब अब डेटा को एक बार और कॉपी पेस्ट कर लिया है अब यहां डी कुछ और ले लेते हैं जैसे मान लीजिए हम कैरेट यानी जो एक्सपोनेंट का साइन होता है वो ले लेते हैं अब इसमें क्या डिफरेंट है स्टेप टू में जो डीलिमिटर है वो टैब सेमिकोलन कमा स्पेस लेकिन इसमें कैरेट नहीं है तो उसके लिए हम क्या चूज कर सकते हैं अदर ऑप्शन आप अदर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां टाइप करेंगे अपना सिंबल बाकी प्रोसीजर सेम है हमने सिर्फ थ्री नेम्स में ही उनका यूज किया है तो इसलिए थ्री ही सेपरेशन हुए हैं सो so, आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ओके okay, इसी काम को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आपने ऑटो फिल के मैजिक के बारे में तो सुना ही होगा यहां हम उसी का यूज कर सकते हैं देखिए जैसे मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम टाइप किया है तो सजेशंस में आ गए हैं अगर आप ऐसी ही लिस्ट चाहते हैं तो एंटर प्रेस कर दीजिए फिर कई बार क्या हो सकता है कि आप टाइप करते हुए सजेशंस पर ध्यान नहीं दे पाए तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लीजिए और ऑटो फिल हैंडल पर या तो डबल क्लिक कर दीजिए या उसे ड्रैग कर दीजिए एंड हियर यू आर तो आज हमने सीखा कि, कि किस तरीके से लॉन्ग टेक्स्ट को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हैं आगे भी हम कुछ ऐसी ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस डालेंगे तो जुड़े रहने के लिए चैनल को प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग